इस वक्त की खबर जलोन से है, जहां पर मथुरा प्रसाद महाविद्यालय में बने छात्र भवन तोड़े जाने से नाराज छात्रों ने आक्रोशित होकर महाविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लगाया जाम। कोच जलोन, जलोन के कोच में बरसों पुराने मथुरा प्रसाद महाविद्यालय में आज छात्र भवन को तोड़ा जाना था। मथुरा प्रसाद महाविद्यालय में बने छात्र भवन तोड़े जाने से नाराज छात्रों ने आक्रोशित होकर महाविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। इस जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा और जाम को खुलवाने का प्रयास किया। तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। बाद में प्रशासन ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। भवन तोड़े जाने की जानकारी छात्राओं को हुई तो छात्र आक्रोशित हो गए और इसी बात को लेकर विरोध शुरू कर दिया और हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद छात्रों ने कोच उरई मार्ग को जाम कर लिया। सड़क जाम किए जाने की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस व प्रशासन को हुई, वह मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने का प्रयास किया। जाम खुलवाने के लिए कोच तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा, सीओ राहुल पांडे ने समझाया और महाविद्यालय प्रशासन के साथ बैठक करके जाम को खुलवाया। वहीं कोच तहसीलदार राजेश कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि छात्रों और प्रबंध कमेटी के बीच छात्र भवन को लेकर विवाद हो गया था, जिस कारण छात्रों ने जाम लगाया था। छात्रों से सहमति बन गई है और जाम को खुलवाया गया है। जनों से जिला संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवाहा की स्पेशल रिपोर्ट। बातचीत करना चाहता हूँ, चुनाव बनने तो दुकानें खुल जाए। अंदर आने तक प्रिंसिपल मिलना भी नहीं चाह रहे थे।